व्हाट्स अप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचडी रेक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं भीम के दीवाने, फेक अम्बेडकर वादी जो हैं उनके ऊपर ये वीडियो होने वाला है। नेशनलिस्ट वीडियो है, रोस्ट वीडियो है, देखने के बाद ही पता चलेगा। तो देखते हैं, लिखा हुआ है फेक अम्बेडकर वादी एक्सपोज्ड, मतलब सीधा सीधा लिख दिया एक्सपोज। तो बहरहाल वीडियो देखेंगे तो क्लैरिटी आई जाएगी। शुरू करते हैं 3, 2, 1 एन गो। भाई क्या कर रहे हैं? पप्पियां ले रहा है उसकी। आज भक्ति में चूर है, वो भविष्य के मजदूर है। जय भीम। रुको जरा, क्या कर रहे हैं ये? जो आज भक्ति में चूर है वो भविष्य के मजदूर है। जय भीम। जो आज भक्ति में चूर इंसान को भाई भविष्य के मजदूर है। जय भीम। पूजने लग गए आदो के। एक्शन वेक्शन नहीं लेते है जो हिंदू कमेटीज हैं? क्या करते हैं? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहा हूँ? एलएलबी कर रहा हूँ। लॉ कर रहा हूँ। फ्रॉम एलएलबी का फुल फॉर्म बताइए। हैं? एलएलबी का फुल फॉर्म होता है? ये तो कभी सीखा ही नहीं। ये हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। सब क्या करते हैं? जैसे बोलते रहते हैं सब जने के भोजन बचाओ, करो ये करो। क्या बचाए बिल्कुल बताइए तो? क्या बचाए? क्या बोलते रहते हैं? क्या करते हैं आपके लिए? हमारे नेता हैं ये नेता। अभी बदल है भाई, अभी बदल है। आने से आपके जीवन में क्या बदलाव आ गया? क्यों नहीं बनेंगे? क्या बदलाव आएगा? क्या आपके नेता है आपको इनकी? आप 22 साल के युवा है, देश के जागरूक युवा है, आप देश के भविष्य है। लेकिन आपको एएसपी इनके पार्टी का नाम याद है, लेकिन आप जो कोर्स की पढ़ाई कर रहे हैं जिससे आपका भविष्य सुधरने वाला है, एक मिनट, आपका परिवार सुधरने वाला है, आपको एलएलबी का फुल फॉर्म नहीं याद। इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको गलत साबित कर दे तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा। हम तो जानते हैं, हम भी इंट्रोडक्टर हैं। ये अंबेडकर ने कहा भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पेज नंबर 123, मुसलमान भारत में रहेंगे तो यहाँ कभी सांप्रदायिक शांति नहीं हो सकती, क्योंकि डिवीजन क्रिएट की थी ना मजहब की वजह से। मुसलमान भारत के खिलाफ जिहाद छेड़ सकते हैं, पेज नंबर 297। मुसलमान कभी भी हिंदुओं की सरकार स्वीकार नहीं करेंगे, पेज नंबर 303। मुसलमान शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, पेज नंबर 200। वाह, एक और नमूना। ये क्या कर रहे हैं? कहां से आते हैं ये लोग? भाई ओवर एक्टिंग तो ज्यादा हो गई, मतलब सीरियसली। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, भीम सेना में बदमाश का भी स्वागत है और भीम सेना में आईएएस आईपीएस इंजीनियर वकील का भी स्वागत है। फिर मैं अगर योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो योगी आदित्यनाथ चोर है, डकैत है, लुटेरा है। योगी आदित्यनाथ सांप पकड़ने वाला एक तांत्रिक है, एक बाबा है, मैं शैतान हूं। मैं बाबा को नहीं छोड़ूंगा। राजनीति नहीं करता मैं, कूटनीति करता हूँ। कुटो और अपने घर आ जाओ। वोट के अधिकार से जनता उनको खदेड़ने का काम करे और फिर भी अगर ये नहीं भागे तो लठ लेगा भीमसेना तैयार है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, बहुजन समाज के जितने भी साथी है ना, उनके लिए मैसेज करवाओ, प्लीज कन्वे करवाओ। क्या हुआ, फेंटी लगी है इसकी क्या? कुछ नहीं, साला बार बार हमारी पोस्ट पे आता तो जय भीम लिख के चला जाता था। अभी पूछ लिया इनसे भीम के पचारों और भाइयों का नाम, तो खाली अर्जुन का नाम याद, बाकी तीन भाइयों का नाम याद ही नहीं है। पिटाई तो लगेगी। अब जब तक बता नहीं देता पांचों पांडवों का नाम, तब तक मुर्गा बना रहेगा। ओके जी, तो वीडियो हमने देख लिया। अब देखें ये जितने भी जय भीम वाले या भीम थे या अम्बेडकर वादी हैं, ये आई डोंट नो इनकी क्या माइंडसेट है। मतलब रादर देन मेरिट ये अपना ही एक अलग लेके चल रहे हैं। देखें वोट की ताकत से अगर आपको मिलते हैं आपकी पार्टी को, तो आप अपनी पॉलिसीज लगाएं। जब आपको लोग वोट ही नहीं दे रहे तो आप डंडे के जोर पे क्यों कह रहे हैं कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए? तो फिर वही होगा जो उस बंदे के साथ हुआ, योगी जी हंस रहे थे। पता नहीं
सच में फेंटी लगवाई है कि नहीं। उसके बाद वो अपने ही हाथ से फोटो लगा के आशीर्वाद दे, मतलब क्या यार। और फिर था बाबा साहेब उन इस्लाम, देखें जो उन्होंने अपनी बुक में लिखा है ना मुसलमानों के लेके, वो पार्टीशन के वक्त के जो मामलात थे उसके सामने रखते हुए लिखा है। मुस्लिम लीग ने नारा लगाया था मज़हब की बुनियाद पे, भारत की जो तकसीम हुई थी मज़हब की बुनियाद पे। अब मज़हब की बुनियाद पे तकसीम हो गई और एक एरिया अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को दे दिया, उसके बावजूद जो मुस्लिम वहाँ रहे और अब कहते हैं बराबरी की सतह पे, तो कभी भी इस चीज़ को कोई तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि जो इंतखाबात हुए थे उसमें कहा यह जाता है कि 95% जो पॉपुलेशन थी मुस्लिम इंडिया की उन्होंने पाकिस्तान को वोट दिया, और जो जिन्होंने माइग्रेशन की वो थे शायद 20-25%। तो ये फिर डबल स्टैंडर्ड हो गया ना, या तो उस टाइम पे वोट ना देते, चलो वोट दे दिया उनके बड़ों ने दिया होगा, जो अब जो उनकी पीढ़ी चल रही है वो भी कहीं ना कहीं हर वक्त डिवीजन के चक्कर में ही रहती है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी का नाम याद है, डिग्री का नहीं याद, ये सबका यही हाल है यार। किसी भी नौजवान को उठा लो जो सियासत में घुसा हुआ है ना, उसका यही हाल होता है। और वो एक पप्पियाँ ले रहा था, अजीब बात होगी। बहरहाल आप क्या कहेंगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू।